बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी सेवा भी हमारे प्यारे मिलन सुंदर साथ की ओर से आप सबके चरणों में, इतनी सेवा स्वयं को झोंक कर सुंदर साथ कर रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी शांता जी से मिले थे और अभी कैसी सेवा उन्होंने करनी शुरू कर दी। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। और ये सारे कारखाने ओवरऑल जो संभाल रहे हैं ना, कमलेश भाई, हैट्स ऑफ टू यू। फैक्ट्री भी है, घर परिवार भी है, उनमें भी कोई कमी नहीं आने दे रहे। पिंका बेन और बच्चों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, जो इतना समय उनको दे रहे, क्योंकि पीछे परिवार होता है सुंदर सा जी, सपोर्ट करने वाला परिवार होता है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए प्यारे प्यारे भाव सुंदर सा जी के, जल्दी से हैंड रेस कीजिएगा। जितनी बार भाई आप कहेंगे मेरा नाम मत लीजिए राजी, उतनी बार आगे नाम आता ही है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं प्रेरणादायक सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हो ना, उससे आपका नाम लेने से आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो आगे सुंदर साथ सेवा करने वाले आए हैं ना, उनको किस किस से प्रेरणा मिल गई होगी आप जानते भी नहीं। आप सुंदर साथ तो इसलिए केवल नाम लिए जाते हैं, इन पंच भौतिक तनों के नामों की वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो नाम बीतक साहब में भी लिख दिए गए हैं ताकि हम सब सुंदर साथ को प्रेरणा मिले। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आशीष जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हर बार की तरह आपके सामने एक बहुत ही प्यारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला श्री राजन स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद करता हुआ कि आपने जो समाज को दिया है, वो जो आपकी देन है, वो अद्वितीय है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जो हो रहा है और होता रहेगा। आने वाले समय में श्री राज जी की साक्षात मेहर हम सब पर बरस रही है, उसको पहचानने के लिए, उसको राइटिंग में लाने के लिए, अपने दिल के भाव को। तो एक रिव्यू बहुत ही प्यारा आया, जो एडिट एक बहुत सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस रिव्यू को, सॉरी, सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि क्या जो हम ये फेसबुक पे रिव्यूज दे रहे हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पेज पे, क्या हम एक ही बार दे सकते हैं, या फिर जो ये श्री राजन स्वामी पेज पर रिव्यूज दे रहे हैं, क्या हम एक ही बार दे सकते हैं, या फिर ये जो हम गूगल पे रिव्यूज दे रहे हैं, क्या हम एक ही बार दे सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, यदि आपसे लिखने में कोई गलती हो गई है और आप उसी लॉगिन पे हैं, यानी कि जिस लॉगिन से मैंने रिव्यू किया, यदि मैं उसी लॉगिन पे ही हूं, तो नीचे बड़ा प्यारा सा ऑप्शन आता है जो बोलता है कि अभी आपके पास अगर शब्द कम थे तो आप और शब्द का चयन कीजिए और उसको और अच्छे से अपने ही रिव्यू को एडिट कीजिए, यानी एडिट योर रिव्यू। जब आप इसको एडिट करेंगे तो आप जो अपने दिल के भाव लिखना चाहते हैं वो सारे लिख पाएंगे। तो आज एक बहुत प्यारा सा रिव्यू मैं पढ़ना चाहूंगा जो कि एडिटेड वर्जन है। निजानंद संप्रदाय अक्षरातीत सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का एकमात्र सुलभ मार्ग है। निजानंद संप्रदाय अक्षरातीत सच्चिदानंद ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का एकमात्र सुलभ मार्ग है। तो निजानंद संप्रदाय की विशेषता से स्टार्ट किया ये रिव्यू। इस विहंगम मार्ग, यानी कई प्रकार के मार्ग होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, तो इस प्रकार का मार्ग इसको कहलाता है विहंगम मार्ग। इस विहंगम मार्ग के गूढ़ रहस्य निजानंद साहित्य में उपलब्ध है। जैसा कि हम बीतक साहब, आप सब इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ वाणी गायन बीतक और सिंधी वाणी मंथन में डूबे हुए हैं और अपने रस से सबको सराबोर कर रहे हैं, किंतु गूढ़ होने के कारण जिज्ञासु सुंदर साथ इन साहित्य श्री तारतम वाणी, श्री बीतक वाणी का उतना लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे कि कबीर की वाणी है, वो हमें जो समझ में आएगी वो ट्रांसलेशन से नहीं समझ में आएगी, गूगल नहीं ट्रांसलेट कर पाएगा, लेकिन जिसके अंदर वो भेद खुलेंगे सिर्फ वही उनको प्रकट कर पाएगा, उसको ही शोभा अक्षरातीत ने दी हुई है। आज इनको सुलभ बनाने में पूज्य राजन स्वामी जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का योगदान अविस्मरणीय है। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में और भी जो जो सुंदर साथ इनका लाभ उठा के स्वयं और दूसरों के लिए
अन्य तरीकों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे शेयरिंग की सेवा हो, सब तक पहुंचाकर उस मार्ग को सुलभ बना रहे हैं। उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिमिलरली फेसबुक में भी जाकर यदि आप देखें, अगर आपने ही रिव्यू दिया है तो वहां पे एडिट ऑप्शन आएगा, और आप फेसबुक के भी रिव्यू को एडिट कर सकते हैं यदि एक बार आपने दिया है और आपको लगता है और वर्ड्स ऐड करने हैं। तो इसी रिव्यू पर मैं एक बात और बोलूंगा, फिर आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा। कल मेरी अशोक जी से बात हुई, तो अशोक जी से जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि सुंदर सात ने अभी जो स्टार्ट किया है ये रिव्यू देने का कारवां, ये भी एक कारखाना बन गया अपने आप में सेवा का। यानी हर दिन एक ना एक नया रिव्यू जो सबके दिल के भाव है सुंदर सात रखते जा रहे हैं, और ये रिव्यूज 100 तक पहुंचाने का जो मेरा लक्ष्य है ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव से, उसके नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं। तो सुंदर सात जी आप अपने रिव्यूज इसमें दीजिए। ये 40 के आसपास रिव्यूज थे जब मैंने उनको बोला, अशोक जी बहुत प्रफुल्लित हुए कि ये रिव्यूज 80-50-60 रिव्यूज नए आ चुके हैं तीनों मिलाकर। और भी प्लेटफॉर्म्स पे रिव्यूज दे सकते हैं आप, यूट्यूब में कमेंट्स दे सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सुंदर साथ अगर इतना ही जुड़ रहे हैं तो मैं भी उनको प्रबोधित करने के लिए, मेरे अंदर भी एक विचार आ रहा है, तो मैं भी उनको किसी दिन प्रबोधित करने आऊंगा, संबोधित करने आऊंगा। अब आप सुंदर साथ जी एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट पॉइंट कि ये रिव्यू क्यों मांग रहा है, क्या राजन स्वामी जी रिव्यू मांगते हैं? तो मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस और पर्सनल थॉट्स बताता हूँ। आज बहुत सारे चैनल्स हैं वर्ल्ड में, उनमें बहुत बहुत अच्छे गुरु सदगुरु जिनको बोलते हैं वो हैं। सदगुरु के नाम से ही एक चैनल है, आप देखेंगे कि उसमें कितने सुंदर साथ के वीडियोज आते हैं, कितने सुंदर साथ के रिव्यूज आते हैं। तो उस चैनल में सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के वीडियोज, सदगुरु की बातें, सदगुरु की शॉर्ट्स, सदगुरु के फेसबुक। आज स्वामी जी का चैनल देखिए, यहाँ पे हर वो सुंदर साथ जो उनकी इन अनमोल निधियों के द्वारा तैयार होता जा रहा है, आज हर वो सुंदर साथ का वीडियो ज्ञानपीठ पे उपलब्ध कराया जाएगा यदि वो रिकॉर्डिंग अच्छी हो और उसका रिव्यू और उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके अच्छी सी भाषा में बिना किसी विवादित चीज को लेकर पेश किया गया हो। तो एक सतगुरु वो जो बोलता है कि मेरे को आगे बढ़ाओ, एक सतगुरु वो जो बोलता है मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आज भी वो बोलते हैं प्राणनाथ जी को आगे रखिए, मेरे रिव्यू मत दीजिए। तो ऐसे सतगुरु जो अपने को ना आगे बढ़ाकर सबको आगे बढ़ाए, ऐसे सदगुरु को हमें आगे साथ लेकर चलना है, उसकी जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य करना है। और मेरे मन में यही आता है कि आपके दिल में अगर जो भी रिव्यू है हाथ पीछे मत करिए, लिखना शुरू कीजिए, जो आपसे बन पाए जितना बन पाए आप उसको लिखिए, ताकि सब सुंदर साथ प्रेरित हो और इस सदगुरु और इस श्रीमुख वाणी को जो उन्होंने मिशन संभाला है कि इसको जन 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 तक पहुंचाना है, इस कार्य में हम सहायता दें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपको पता है श्रीनिवास अंकल और हमारी प्यारी प्रफुल्ला बेन ने जो डाला था ना, हमारी शेयरिंग करने वाली जो टीम बनी है, जो कारखाना बना है, 200 शेयर उनके करके आए हैं, बहुत सुंदर। मुकेश भाई, कमलेश भाई, प्रफुल्ला बेन, शीतल बेन के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बारंबार प्रणाम जी। हाँ जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। तनेजा अंकल, मैंने आपसे एक बात और भी करनी थी, क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है पेटिशन साइन करने वाला? हम सब सुंदर साथ उसके लिए रेडी हैं। कैसा पेटिशन में समझा रहे हैं कि किसी प्रकार से वो जो हप्सा की जगह है वो किसी प्रकार से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के रूप में परिवर्तित हो पाए, या ऐसा कुछ हो सकता है सबसे आग्रह कर पाए सुंदर साथ मिलकर? सुंदर साथ जी, ये कई वर्षों से श्री पांच नौतन के नाम से जाम राजा से संपर्क भी चल रहा है, बातचीत भी चलती रहती है, और हम लोग पीछे जैसे मैंने बताया कि दर्शन करने का हमें मौका भी मिला, और जाम राजा का जो अभी वंशज हैं वो नौतनपुरी धाम में आते भी हैं और गुरु महाराज के चरणों में लगते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और ये कोशिश जारी है। मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं कि जब ये जाम राजा का जो स्थान है ये हमें मिलेगा, लेकिन उन्होंने जैसे, मुझे आज ही प्रसंग याद आ रहा है,
कि जब महामती प्राणा जी को उन्होंने अफसर से विदा किया था तो जूनागढ़ में उनको जमीन दी थी ना। ऐसे ही अब के जाम राजा ने श्री पांच नौतनपुरी धाम को लगभग 20 बीघा जमीन दान में दी है एजुकेशनल पर्पस के लिए कि वहां पर आप अपना प्रणामी धर्म का इंस्टीट्यूट बनाएं और एक बड़ी संस्था खड़ी करें जिसमें ज्ञान हो और बच्चों को भी संस्कृत विद्यालय ज्ञान विद्यालय जो हटकर जो इंग्लिश मीडियम और ये सब तो हमारे स्कूल चल ही रहे हैं लेकिन एक धर्म का ज्ञान और एक संस्कार का ज्ञान और धर्म मात्र प्रणामी धर्म ही ना रहे सर्वधर्म का सम ज्ञान वहां पर मिले। और तो इस प्रकार उन्होंने वो तो चरितार्थ किया जो महामती प्राणा जी को उन्होंने जमीन दी थी जूनागढ़ में, तो यहाँ पर भी उन्होंने 20 बीघा बहुत बड़ी जमीन होती है उसकी आज बहुत वैल्यू है और शहर के बीच में दी है। शायद राजी ने कहा चाह तो 2-3 साल के अंदर उसका भी एक अच्छा रूप आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो यही है, आगे जैसा राजी चाहेंगे वही करने कराने वाले वही है, पता नहीं उसके दिल में कब उपजा दें है ना, और वो कहें अच्छा जी आज से आप इसका नवीकरण करो। प्रयास बहुत ज्यादा जारी है। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी जन्माष्टमी है, 5 तारीख को है, शायद 5 को है जन्माष्टमी। हाँ, तो उस जन्माष्टमी के दिन नौतनपुरी धाम से शोभा यात्रा निकलती है और वो शोभा यात्रा पूरे जामनगर की समन्वय शोभा यात्रा होती है। उसमें राम धर्म मानने वाले करीब पंथ कबीर पंथ के लोग, आनंद मठ के लोग और स्वामी नारायण के सब अपनी अपनी झांकियां श्री पांच नौतनपुरी धाम से प्रारंभ होकर पूरे नगर में वो शोभा यात्रा चलती है लगभग 3 घंटे की। ये मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ इसका वीडियो भेजने की। ये 5 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे इसका लाइव भी होगा प्रणामी टीवी के माध्यम से और 14-15 झांकियां हर प्रकार की हर धर्म की ये होंगी। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक समन्वय की बात चलती है। कभी भी किसी भी धर्म में कोई भी फंक्शन होता है तो श्री पांच नौतनपुरी धाम के आचार्य महाराज जी को वहां पर निमंत्रण दिया जाता है और ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पर जब प्राकट्य उत्सव होगा यहाँ पर 13 अक्टूबर को तो वहां से भी सब आते हैं और महामती के गुणगान करते हैं जो इससे पहले गुरुजन थे महाराज धर्मदास जी, उनके भी क्योंकि उनके सानिध्य में रहे उनके सानिध्य में पल्ले बढ़े हैं तो उनकी वो याद करते हैं। तो ये यहाँ की थोड़ी सी महिमा। और आज के प्रसंग पर सिर्फ 2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। पहली चीज तो मैं सोनिया जी आपके दिल में कौन बैठा है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है राजी के अलावा भी कोई होती होगी शख्सियत तो वो बैठी है आपके अंदर, क्योंकि आज जो आपने प्रसंग छोड़ा सा था कि महाराज ठाकुर जी और देवचंद जी के मिलन का कि कहाँ पर वो मिले, लेकिन आपने बड़े प्रेम से बड़े सुंदर भाव से उसको सुंदर साहब के सामने परोसा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ एडमायर। और दूसरी बात आज सिंधी के माध्यम से भी आपने कहा कि महामती प्राणा जी वाणी में कहते हैं दुनिया अपनी दनाई से लेने चाहे दोए, बस इसको हमको छोड़ना है, हमने अपनी चतुराई नहीं दिखानी बिल्कुल भी। और जैसे जैसे बीता का प्रसंग आगे चलता जा रहा ना तो मुझे आज लगा कि मैं क्या वाणी महामती प्राणा जी की वाणी से क्या निकालूं शब्द, तो खिलवत खुली। तो मुझे यूं लगा कि हम चलते 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 एक भाव है और ऐसा शायद कभी कभी महसूस भी होता है, फिर आंखें नम हो जाती हैं भूला नहीं जाता कि अब हम खिलवत में पहुंच गए और खिलवत में उस मूल मिलाव में राजी श्यामा जी के पास बैठकर अब सब सखियां ये जूम की सारी सखियां वहां बैठी हुई है और क्या कह रही हैं, ए भी दृढ़ तुम कर दिया सब कुछ हाथ हुक्म, कछु मेरा मुझमे ना रहा ताते कहां कहूं कसम। अब मेरा मुझमे कुछ नहीं रहा, अब मैंने कोई रबद नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कान पकड़े मेरी गलती हो गई, अब मुझे अपने चरणों में रखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुंदर साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। हम जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी अंकल, जल्दी ही ये बधाई हम सब सुंदर साथ को मिले ही, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर में ही रहे पर कम से कम उस स्थान का हम सुंदर साथ दर्शन कर पाए, उसको फील कर पाए जाके
जहाँ उनको दर्शन हुए थे, जरूर राज जी ये पुकार सुनेंगे और जल्द होगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल आपने अभी बताया, उनके हुक्म से ही होगा। जब उनका हुक्म होगा तब सारे अपने आप होते जाएंगे। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी प्यारी सेवाएं कर रहे। सुंदर साहब जी, जाम राजा का वंशज जो भी उनको अभी महल को संभाल रहे हैं, अभी तो खंडर पड़ा हुआ है, वो हर तीसरे महीने यहाँ आते हैं, तो कोई ना कोई स्वरूप उनके अंदर उनको भेज रहा है ना। तो भेजते भेजते जब उनके मन में एक बात बैठेगी कि ओहो ये तो मेरे से गलती हो गई, जैसे एक साल महामती प्राणा जी को रखकर उसके बाद को उसको एहसास हुआ ना मेरे से गलती हो गई, तो शायद यही एहसास होगा कि इस महल को मैं अपने पास रखकर अपनी धरोहर मानकर मैं गलती कर बैठा, अब तो मुझे जिसकी है उसको सौंप देनी चाहिए। तो ये सुंदर साहब की सब आकांक्षाएं राजी महाराज पूरी करेंगे। इसी सद्भावना के बाद साथ आप सबको प्रणाम। प्रणाम जी। अगली बार जब आपकी उनसे भेंट हो तो हम सुंदर साथ की आकांक्षाएं उनके सामने रखने के लिए जरूर। इनफैक्ट कल से मेरे मन में आ रहा है, जो यहाँ पर इंचार्ज है, तो मैंने उनसे कहा है कि मेरे को उन वंश से एक बार मिलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और यही दो चार बातें करने की बात थी जो आज आपने कह भी दी कि मैं उनसे बात करके कोशिश तो करें, बाकी तो कराने वाले वही। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जरूर होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, और कौन से प्यारे सुंदर साथ जी आज बोलना चाहेंगे? तो पहले दुष्यंत भैया को लेते हैं। आशीष जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का जहां प्रसंग, जो बाद का आकांक्षा रहती है मन में आनंद वाली, वो पहले आ रही है कि जैसा तनेजा साहब ने कहा कि वो आते हैं मंदिर में तो प्रयास सुंदर साथ करेंगे, तनेजा साहब करेंगे, हमारे महाराज श्री जी करेंगे, ये अवश्य होगा। और मुझे लगता है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना होके उनका उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनके राजमहल का हिस्सा है, तो जरूर राजी इसमें कुछ कृपा अवश्य करेंगे। और उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो हम सबको मिलेगा दर्शन के लिए और वहां पे मंदिर बनेगा। सबसे पहले जो इतना सुंदर वाणी गायन किया हमारी अंजू गिलोत्रा जी ने और सुनीता मेहता जी ने, इन दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए। और ये सोनिया और सोनी और राधिका जी बिटिया, इनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर अर्जी गायन किया आज का बीते प्रसंग, कि जिस प्रकार दोनों गोवर्धन ठाकुर जी और हमारे मीरराज ठाकुर जी इतना प्रेम से चर्चा सुनने जाया करते थे, दो नाते की बात, ऐसा ऐसा जो नाता हम सब सखियों का है, अपना मूल संबंध जो सखियों का है परम धाम का, उस निस्बत को हम परस्पर भी पहचाने और राज्य से तो पहचान करनी ही करनी। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ राज्य के चरणों में, हम सब सखियों में सब सुंदर साथ में प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए। और इसका प्रारंभ हो चुका है और मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मैं इस जूम का एक एक कड़ी हूं, एक हिस्सा हूं, कि जिस जूम से ये प्रेम का ये पसर रहा है, जैसे वाणी पसरेगी ना, पसरसी चौदह भवन, इसी तरह से इस जूम के माध्यम से ये प्रेम सब में फैल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरा, सिंधी सिंधी के बारे में क्या कहूं, कोई शब्द ही नहीं है। सिंधी के विषय में इतनी इतनी मीठी वाणी इंद्रावती जी किस तरह से तो हमें प्रबोधित करती हैं, किस प्रकार से राज्य से विनती करती हैं, इतना प्रेम इतना लाड़, वो शब्दों से परे है। और ये सुख जो हमें मिल रहा है, इसके लिए कोटिश शुक्राना, कोटिश साधुवाद, आभार सोनिया दीदी के चरणों में। और इस तरह से जगा रही हैं इंद्रावती जी, वो कहती दोष अपने ऊपर लेती हैं, लेकिन उनमें तो वो तो निष्कलंक हैं, कोई दोष है ही नहीं, वो प्रबोधित कर रही हैं, उसे हम सबको घटाना चाहिए अपने पर। जैसे एक बार कहा, तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जागा ना एते शोर, इतना शोर वाणी कर रही है, जगह जगह पिया जी खिड़की खिड़की में बैठ बैठ के जगा रहे हैं,
तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जागा ना एते सोर, तो को सात बेर कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोर। अगर तू अपने मन चित बुद्धि अहम को इधर से मरोड़ के रपिया जी की तरफ कर ले, तो मैं तुझे सात बार सुहागी कहूं। हमको इतना प्रबोधित करती हैं और पियाजी से कहती हैं, पियाजी इन्हें दर्शन दे दो ना। कितना कितना सुंदर प्यारा रोल मेरी इंद्रावती जी का, उनको अक्षातीत की शोभा मूल स्वरूप राज जी ने यहाँ दी हम सबको जगाने के लिए। इंद्रावती जी के चरण कमलों में अक्षातीत धाम देने के चरणों में कोटानकोट प्रणाम। सोना दीदी आशीष जी आपके चरणों में कोटानकोट प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में बैठ के मेरे पिया जी प्रबोधित कर रहे हैं, सब सुंदर साथ जी के हृदय में बैठ के प्रेम बांट रहे हैं और ये प्रेम ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता जाएगा, ऐसी मेरी शुभेच्छा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैया आज आपने सोनी को सोनिया कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सोनिया दीदी नहीं अच्छा लगता, सोनिया बहुत अच्छा लगता है। आप वैसे ही कहा करें, क्योंकि ज्ञान में भी आपसे छोटी, प्रेम में भी छोटी, हर चीज में छोटी, तो आप सोनिया ही कहा करें। प्रणाम जी आपके चरणों में प्रणाम। सोनिया दीदी मैं तो बिल्कुल अल्पज्ञ हूँ, जो कुछ भी हूँ आपके जो प्रेम प्रेम रूपी जो वर्षा हुई है ना, इन बूंदों से कुछ हुआ हूँ, नहीं तो बंजर था, अभी भी खैर बंजर नहीं कहूंगा, आपके शब्दों ने उस भूमि को सही किया है, तो क्या कहूँ अभी भी कुछ नहीं आता। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी आपके चरणों में कोठान को प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम प्रणाम। अंजू जूत्रा बहन जी के द्वारा आज वाणी गायन, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ऐ जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूंगी, कि मैं जो कुछ भी मांग रही हूँ उसे आप यूं ही ना छोड़ दीजिएगा, खाली ना छोड़ दीजिएगा, जो भी मैं मांगती हूँ। तो ये मांगना इसमें और वो भी ब्रह्म आत्माओं का बिना जब उनका मूल संबंध है इसलिए वो मांगा जाए, नहीं तो अगर मूल संबंध नहीं है तो फिर तो दास भक्ति होगी, जैसा आज बहन जी ने बताया कि सिंधी के अंदर। और सुनीता मेहता जी के द्वारा भी वाणी गायन, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी, बहुत अति सुंदर। एक बहुत अच्छा लगा कि सतगुरु के प्रति निंदा या हल्के वचन कोई भी कहे वास्तव सुनने नहीं चाहिए, या तो उसकी का शास्त्रों के हिसाब से तो उसकी जिभ्या काट देनी चाहिए, लेकिन यदि ये संभव ना हो तो अपने कानों को बंद किए कर लेना चाहिए दोनों हाथों से, या वहां से उठ करके चला जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बहुत अति सुंदर वचन है वास्तव में, स्थिति सतगुरु के प्रति ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। और किसी को जागनी कैसे करनी है, ये जो है आज बहुत अच्छा वर्णन आया कि श्रीमद् भागवत की वाणी में आया है, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, श्री महामति तेने त्यों समझाओ जिन्हें समझ आवे ज्यों का, तो हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथों से मुसलमानों को कथे पक्ष से समझाओ, तो श्रीमद् भागवत के अंदर जो कितने लोक हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं, कितनी प्रलय हैं, ये अगर किसी को पूछेंगे तो उन्हें अगर नहीं आएंगे उन्हें बताएंगे और फिर उनका प्रलय के बारे में बताएंगे, तो इससे वास्तव में वो अगर थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो उससे वो जीव जागृत हो जाए, ये जागनी का है। और राधिका बहन जी के द्वारा अर्जी गायन बहुत अति मीठी स्वर में, उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और एक सिंधी मंथन के अंदर जो आज बहन जी के द्वारा ये बताया गया कि बिना पूर्ण पहचान के बिना पूर्ण समर्पण संभव नहीं है, समर्पण भी तभी आता है जब वो पूर्ण पहचान हो, और बिना समर्पण और मूल संबंध के प्रेम का अधिकार नहीं है। अगर हमारे अंदर मूल संबंध भी हो और हमारा यहाँ जीव जो है वो परिकाष्ठा पर समर्पण हो जाए तो हमको जो है ना अधिकार मिलता है मांगने का, हम बिना मूल संबंध के जो मांगा जाता है वो तो फिर दास भक्ति में आ जाता है। और मैं हम श्री जी एल तनिजा भाई साहब को श्री चरणों में, ये जब से उन्होंने वो हमें वहाँ के जाम का वो हफ्सा जेल दिखाया है दिल बहुत अधीर है
बार बार नमन करता है, वो खिड़कियां, वो जो जाले, वो जो दरवाजे हैं, तीनों बार बार उन पर नजर जा रही है, कैसे उन्होंने उस समय काटा होगा, उसमें किस तरीके से उसमें पानी की व्यवस्था हुई होगी, रोटी की व्यवस्था हुई होगी, और वो हमें मिल जाए, अगर वो जगह हमें मिल जाए, अगर वो सरकार की है तो सरकार के द्वारा कोशिश की जाए, नहीं तो प्राइवेट में है तो बिना कुछ लिए दिए तो फिर बात बनेगी नहीं, उनसे रिक्वेस्ट लेवल पर ही उनसे लिया जा सकता है। ऐसा हमारे प्रणामी समाज को करना चाहिए और सभी हम सब सहयोग देंगे। अगर उसमें कोई मानो उसमें धन की भी जरूरत पड़ती है थोड़ा थोड़ा जिससे जो बनेगा तो वो भी हम सब तैयार। और आज बस यहीं पर मैं सब अपना पूर्ण करता हूँ और बहन जी के सोनिया जी का ये जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है राज जी का उनके माध्यम से, तो उनके भी सिंचन में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल मैं तो खुद आपके आशीर्वाद की अभिलाषी हूँ, आप ऐसे नहीं कहिए। प्रणाम जी आप आशीर्वाद देते रहिए। प्रणाम हाँ, आप ही से हैं हम सब कुछ हैं, जो इतने साल हो गए जो नहीं मिला वो हम मिल रहा है तो आप ही से मिल रहा है। प्रणाम जी पिया जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मैं यूट्यूब के कुछ सुंदर साथ के नाम तब तक ले लेती हूँ। सरोज सलूजा जी, किरण गोहिल जी, गीता हपलिया जी, तरवीन गुप्ता जी, सुषमा शर्मा जी, संजीव शाह जी और धीर सिंह जी, शकुंतला थपलिया जी, उषा रानी जी, केतन वैष्णव जी, सरोज रानी जी और कुलदीप भगत अंकल के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वहां पर बैठे हुए रसपान कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस बन चुकी है, यदि आप आना चाहें तो जरूर आ जाइएगा। प्रणाम जी प्रतिभा जी प्रणाम जी। और सुंदर साथ बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने देखा होगा मधु दीदी कैमरा ऑन नहीं बैठ पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किन्होंने चार्ज संभाला, श्याम भैया ने। आपने देखा वो खिड़की उन्होंने खाली नहीं होने दी कि किसी वजह से यदि मधु दीदी नहीं बैठ पा रहे तो, हालांकि ही इज वो ऐसे बैठना उनको अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी उस खिड़की को खाली ना होने देने की सेवा देने के लिए श्याम भैया आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये युगल जोड़ी बहुत प्यारी है प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी प्रतिभा, पहले दुष्यंत भैया एक लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जीजा जी यशपाल सिंह चौहान जी जूम पे जुड़े हुए हैं, वो सोनगिर धाम में है, और अगर आप इजाजत दें तो सोनगिर मंदिर के दर्शन करा सकते हैं। अरे वाह, इससे और सौभाग्य और कौन सा हो सकता है। मैं अभी आपको स्पॉटलाइट करती हूँ भैया, आप मंदिर के दर्शन भी करवाइए और अनम्यूट आपका हो गया, आप बोल भी सकते हैं और दर्शन भी करवाइए। बहुत सौभाग्य हम सुंदर साथ जी का। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अरे वाह प्रणाम जी सोनिया जी प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं सोनगिर में श्री राम रतन दास तपभूमि पर मुझे सौभाग्य मिला आने का, आज मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। यहाँ के संत श्रीपाल जी महाराज जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं उनके भी मैं आपसे प्रणाम मुखरबिंद कराऊंगा। देखिए आज हो रहा आप सुंदर साथ जी दर्शन कर रहे हैं आप? नहीं अभी ना आपको कैमरा दूसरी तरफ करना पड़ेगा शायद इसके लिए। अच्छा नहीं आया। हाँ जी आपको देख पा रहे हैं, आप दोनों को देख पा रहे हैं हम सुंदर साथ। अच्छा ये महाराज श्रीपाल जी हैं। प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी, आप हम सब की तरफ से आपको प्रणाम जी। ऑस्ट्रेलिया से लाइव चल रहा है। अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया में कौन है? सोनिया जी है। सोनिया जी प्रणाम ही है। हाँ बहुत पढ़ना पढ़ना करना। मैं मैडम कैमरा मेरा नहीं चल रहा? आपका कैमरा चल रहा है और आप दोनों दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी मैं ऐसे करना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ जी ऐसे कर दीजिए। हाँ जी ऐसे कर दीजिए, मैं एक स्पॉटलाइट कर। प्रणाम जी प्रणाम जी। अरे वाह महाराज जी के रामदास जी महाराज की तपस्या के लिए गुफा है जो आप देख पा रहे हैं,
देख पा रहे हैं सोनिया जी? बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं पर शब्द नहीं आ रहे हैं। चमक नहीं रहे महाराज जी? नहीं मैं बोल रही हूँ देख तो पा रहे हैं पर शब्द नहीं आ रहे हैं मुख से। आज शब्द नहीं आ रहे हैं महाराज जी, आइए जरा बताना। ऐसे इसमें नहीं चलेगा ना वो कैमरा, ना इसमें जूम में नहीं चलता। बहन जी ये गुफा है महाराज जी की जहाँ बैठे थे महाराज श्री राम रतन दास जी, देख पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये महाराज जी साक्षात बैठे हैं यहाँ पे। हम सबकी तरफ से कोटा महाराज जी गुरु गुरु महाराज जी के दादा गुरु, ये सेवा पूजा है यहाँ पे। अरे वाह बहुत सुंदर, शुक्र है राज जी का आप वहां लेकर गए। कल देखिए सुंदर साहब जी देखिए, कल हमने प्राणनाथ जी को जहाँ दर्शन हुए थे ना, जहाँ वो चितवन जहाँ उनकी लग गई थी वो देखे दर्शन, और आज महाराज जी जहाँ बैठकर चितवन किया करते थे वो गुफा दिखा दी। सुंदर साहब जी आप पर क्या न्योछावर कर दिया जाए। ये महाराज जी का तपस्थली सुंदर, जहाँ महाराज जी ने 8 साल बैठ कर तपस्या की और अपने को जगाने का यहाँ से सुंदर साथ के लिए ले गए और साउथ में जाकर जागनी लीला की। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी वो गुफा इतनी तंग है कि उसमें से ऐसे लगता है कि निकल नहीं पाएंगे, वहां बैठकर महाराज जी ने अपनी तपस्या की हुई है, पर निकल सब जाते हैं उनकी मेहर से। बहुत हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम हम सब की ओर से। ये आशीर्वाद ही तो है सुंदर साहब जी, नौतनपुरी से प्राप्त हो रहे हैं, पन्ना जी से सोनगीर धाम से प्राप्त हुए। थैंक यू सो मच दुष्यंत भैया, आपने बीच में वो कर दिया, वरना ये रह जाता ना तो पता नहीं क्या रह जाता। प्रणाम जी बहुत सुंदर, अति सुंदर सेवा। सुंदर साहब जी जरूर कहीं भी जाएं हम सुंदर साहब को साथ लेकर जाइएगा, भूल ना जाइएगा, यहीं पर जरूर साथ ले जाइएगा। प्रणाम जी, आइए सुंदर साहब जी अब प्रतिभा जी के अति सुंदर भाव। दीदी सोनिया दीदी जी आपके हृदय में बैठे हुए श्री युगल स्वरूप जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दीदी नहीं सखी कहूँ आपको, सोनिया सखी जी। और मेरे जो गायन वाले वाणी गायन वाले सुंदर साहब जी हैं उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। जो अर्जी सुना अर्जी गायन करने वाले सुंदर साहब जी हैं उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। और ये जो अभी अभी दुष्यंत भैया ने अपने जीजाजी के माध्यम से सोनगिरी धाम के अंदर जो शिवराज जी महाराज के युगल स्वरूप से जो दर्शन कराए वो तो बस देख करके दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया कि कितना सुंदर सुंदर जो है शिवराज जी महाराज यहाँ वाणी और मेहर की वर्षा कर रहे हैं कि जो हर जगह से कभी हफ्से से कभी सोनगिरी के कभी नौतनपुरी के सब जगह के सुंदर साथ जी के को दर्शन करवा रहे हैं और अपने सुंदर साथ के ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी मेहर की वर्षा कर रहे हैं। तो आज का जो प्रसंग था सुंदर साथ जी के उसमें श्री राज जो धनी देवचंद जी से जो महाराज ठाकुर जी का मिलाप हुआ था वो उसका तो मुझे भी नहीं पता था दीदी कि वो गांजी भाई के घर में नहीं हुआ था, उनका मिलाप बाग में हुआ था जिसको चाकला मंदिर बना मतलब चाकला मंदिर जो है उसके बाद बना था। और वहाँ जो है उस वो जो बाग था उस बाग को में ही जो है वो वाणी चर्चा होती थी। तो ये तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग था आज का। और ये बात तो दीदी है ही
सभी सुंदर साथ को भी ये बात समझनी चाहिए कि सुंदर साथ के अंदर ही शिवराज जी की युगल स्वरूप की शोभा विराजमान है और हम सभी सुंदर साथ को भी आपस में सुंदर साथ से ही अत्यंत प्रेम और लाड़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सुंदर साथ के माध्यम से शिवराज जी महाराज के जो युगल स्वरूप है, जो साक्षात दर्शन होने हैं, उन्हीं के माध्यम से होने हैं। ये बहुत अच्छी जो है आपने बात कही थी कि भाई जब हम आपस में सखियों के साथ जो है प्रेम करेंगे तो ही हमें शिवराज जी के मूल स्वरूप की के दीदार होंगे। और दीदी आपकी फोटो बंद हो गई, यानी अंजी आप बोलते रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हमें मूल स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक पूर्ण समर्पण भी नहीं आएगा, पूर्ण समर्पण नहीं हो पाएगा तो शिवराज जी का प्रेम पूर्ण जो हमें अधिकार है उनसे कुछ भी अपने जो है आत्मिक संबंध से परम राज्य के प्रेम को मांगने का वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये अपन सुंदर साथ को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे सुंदर साथ से बड़े ही प्रेम से बोलें, प्रेम से ही उनसे बातचीत करें और अपना प्रेम जो है उनके ऊपर बरसाएं। तो ये बहुत जो है जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और सबसे मेन पॉइंट इस वाणी का जो लक्ष्य है वो यही है, प्रेम पूर्ण अपने सुंदर साथ के बीच में प्रेम पूर्ण बात करना, प्रेम से ही बोलना और प्रेम पूर्वक उनके चरणों में भी श्रद्धा पूर्वक अपने जो है शीश को झुकाना। तो ये मुख्य है कि प्रेम ही सब कुछ है और क्योंकि प्रेम ही शिवराज जी का स्वरूप है, वही मूल स्वरूप है, वही प्रेम का स्वरूप है। तो इसलिए सभी सुंदर साथ को ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से ही बोलना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए और साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के वो भी उसी प्रकार से उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उसमें हमें जो है अपना योगदान उसमें दे रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आज सुंदर साथ जी इतना ही कहना चाहूंगी। और सिंधी की वाणी जो हमें यही सिखा रही है कि हमें प्रेम से ही जो है सब कुछ मिलेगा और प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही हमें शिवराज जी महाराज के दर्शन होंगे, अपने प्राण प्रियतम के जो है चरणों में पहुंचने का जो है हमें रास्ता, वही हमारा मार्ग है वहां तक पहुंचने का। तो प्रेम ही मूल है, प्रेम ही अंतिम मार्ग है अपने प्राण मतलब के अपनी आत्म को वहां ले जाने के लिए। तो यही मूल है, यही सब कुछ है बस। और करने कराने वाले शिवराज जी महाराज ही हैं और कुछ नहीं कोई कर सकता, ना कोई कुछ कर रहा है, शिवराज जी ही वो प्राण प्रियतम ही सब कुछ कर रहे हैं। बस आज का इतना ही दीदी, बस और मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में, बस यही कुछ है जो आज राजी ने निकलवाए हैं। बहुत सुंदर प्रतिभा दीदी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। सुंदर साहब जी सोनगीर धाम के दर्शन करके ना दिल में महाराज जी के लिए दो लाइनें आ रही थी, जदो दासी तेनु पालिया तू अप ना लिया मेरे शेरपुर वाले, मैं ता बस हुन जी रही आइक तेरे सहारे, जदों दासी तेनु पालिया तू अप ना लिया दुख भुल गए ने सारे, मैं ता बस हुन जी रही आइक तेरे सहारे। शेरपुर वाले महाराज जी की, राम रतन दास महाराज जी की कोटान कोट उनको प्रणाम, उनकी सदा सदा जय। प्रणाम जी। हां जी कमलेश भाई, प्रणाम जी।
भूल से वो हाथ हो गया था, ट्राई कर रहा था तो आवाज नहीं आ रही दीदी। आज आवाज सुनानी थी राजी ने, रेनू शर्मा जी की भी और कमलेश भाई की भी। ये राजी का कम होता है। प्रणाम जी, क्योंकि सेवा भाव की आवाज भी सुने तो क्या पता वो तरंगे हमारे अंदर भी आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, उनके बाद भी प्यारी सेवा भावी शांता जैन जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदरता जी। प्रणाम जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे लगा था सुंदर साहब जी इतनी कठिन सेवा एक दिन में नहीं हो पाएगी, मुझे लगा एक वीक लगेगा उसको सेटल होने में धीरे धीरे, पर नहीं, एक दिन में पूरा रेडी। ये राजी का बल, उनकी मेहर, आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। दीदी यही बोलना था, मेरा तो लीस्ट एफर्ट है दीदी, लीस्ट एफर्ट। आप मेरा नाम तो कृपया मत लीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इतनी प्यारी टीम में, मतलब स्टूडेंट है, प्रीत स्टूडेंट है, स्टूडेंट होते हुए इतना समय निकाल के चौपाई बनाना। वहाँ पार्थ भी है दीदी टीम में, जयश्री बहन का बेटा, वो भी जॉब करता है शायद, तो वो भी अपनी जॉब में से। कमलेश भाई जी की सेवा तो क्या ही कह सकते हैं, रात को भी मतलब मिडनाइट तक हरेश भाई जी एवर रेडी। किसी की चौपाई अगर रेडी नहीं होती है तो एवर रेडी रहते हैं कि मैं बना दूं, बिल्कुल रेडी रहते हैं दीदी। मैं तो लीस्ट, मतलब आपने बस शोभा दे दी है, एफर्ट मेरा लीस्ट है दीदी, तो कृपया मेरा नाम नहीं लिए। बाकी मेरी सारी टीम जो है धन्य है कि बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ही सेवा भावी टीम है मेरी। और दीदी ये जो जितना सब कुछ हो रहा है ना, इसमें राज्य का बल तो है ही, प्रेरणा आप सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं सुंदर साहब जी, प्रेरणा आप ही दे रहे हैं। आप लोगों को देख के ही हमें प्रेरणा मिलती है। प्रणाम जी। देखा सुंदर साहब जी कितने प्यारे सुंदर साथ, सब सुंदर साथ से एक दिन बात करेंगे, एक फैक्ट्री के, एक कारखाने के सारे सुंदर साथ से बात करेंगे, अगले दिन अगले कारखाने के सुंदर साथ से बात करेंगे। कितनी प्रेरणा हम सबको मिलेगी। अति सुंदर पार्थ बेटा को, मुझे, मैंने नाम पढ़ने में मैं चूक गई, जयश्री बेन बहुत बहुत बधाई, उनको हम सब की तरफ से प्रणाम कहिएगा, पार्थ को भी। और हरेश भाई तो गांगजी भाई का घर है, उन्हीं का तो घर है, रसीला बेन के हस्बैंड। अति सुंदर आप सब की सेवा को कोट शह नमन। प्रणाम जी। प्रणाम अति सुंदर, चेहरे की वही बदल जाती है, मैंने देखा सुंदर साहब जी सेवा करने के बाद जो चेहरे पे वो आती है ना प्रसन्नता, वो कोई अलग ही होती है। तो ये हम सब के चेहरों पे चितवन की सेवा करें, अपने लिए करें, वहां से शुरू करें। सुनीता दीदी आज आपसे जरूर सुनना है, सुनीता सिंगल दीदी, और हमारे पास आशी दीदी थे अभी मुझे पता नहीं। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी दीदी, आपके धाम हृदय में विराजमान श्री गुरु श्री को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। आज इतना सुंदर वाणी लाए सुनीता मेहता जी का और अंजू गिलोत्रा जी का, इतना दर्द भरा वाणी लाए और इतनी सुंदर प्यारी वर्षी। और सबसे पहले दीदी, आज इतने वर्षों से दिक्कत सुन रहे, आज पहली बार खुलासा हुआ है कि गांधी भाई के घर में मिलाप नहीं हुआ निराज ठाकुर का देव सिंह जी से। वो एक बाग बाग के अंदर हुआ है, उसको खिजड़ा मंदिर जो बोला गया। आज इतना अच्छा लग रहा है, अंदर से कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि एक एक खुलासा खुलता जा रहा है। और दूसरा, आपने सिंधी ने बताया कि समर्पण के बगैर पहचान नहीं होगी और पहचान के बगैर समर्पण नहीं होगा, दोनों ओत पुरोत। जब तक हम समर्पण नहीं देंगे तो हमको उनकी पहचान करने की, आगे बढ़ने का कुछ इच्छा भी नहीं होगी, और जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तो हमको समर्पण भाव भी नहीं आएगा। ये सिंधी ग्रंथ में बहुत अच्छा बताया। और तीसरा जो आज हवसा का जो हुआ है ना, इतना आज 400 वर्षों से यह पहल हुई नहीं, आज कोई तो इसके अंदर राज छुपा हुआ है। जो हवसा को कृष्ण प्रणामी मंदिर की जो उपाधि देने का जो मन में आया है, तनेजा जी के मन में आया है, उन्होंने दर्शन, सबसे बड़ी बात है, दर्शन कराने के बाद भी मन में हमारे झूम के जो सुंदर साथ, कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चर्चा हुई थी कि हमारी धरोहर है, यूट्यूब में हुई थी शायद,
ये हमारी धरोहर है, क्योंकि उसमें हमारे श्री जी की जो हमारी जो आवेशित जो वाणी अवतरित हुई है, तो इसको हमारी धरोहर है, तो हमें मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसको फिर जो जीन हो गया है तो उसको हम ठीक कराएंगे। ये पहली आज 400 वर्ष से ये पहली हुई, इसमें राज्य भी कुछ ना कुछ तो इसमें राज छुपा हुआ। और तनेजा साहब ने बताया कि उनके जो जामनगर के राजा हैं वो आते हैं मंदिर में, तो मंदिर में आने का कारण भी है, ये हमारी धरोहर हमको निश्चय ही मिलेगी और सब सुंदर साथ इसमें अग्रणी है, सब का सहयोग होगा इसमें और ये मिलनी भी चाहिए। एक दार्शनिक स्थल बनेगा ये, और पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यक वाणी कहाँ उतरी है, कहाँ अवतरित हुई है, हमारे श्री जी ने कहाँ एक वर्ष छोटी सी कोठरी के अंदर हमारे राज्य ने जो हुआ है। दीदी बहुत जरूरी है, प्रणाम जी दीदी, मैं इतना ही बोलूंगी, प्रेम प्रणाम, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबके सहयोग से ही हो रहा है। कल तनेजा अंकल का मैसेज आया था कि उनका मिलन जो है वो यहाँ नहीं, यहाँ हुआ था, आप चेक कीजिए। फिर उसके बाद पूरा स्वामी जी की वो चौपाई भी मिली, और अचानक से गूगल में ढूंढ कुछ और रही थी, राजी इस वेबसाइट पर लेकर गए, और कितने सुंदर उन्होंने सारे मंदिरों, अभी एक और मंदिर बचे हैं सुंदर साथ जी, जहाँ हमारे मिहिर राज जी का जन्म हुआ था, उस मंदिर वहां भी मंदिर है। तो अब जाइएगा ना कभी, तो इन सबके दर्शन उन भावों से करके आइएगा जिन भावों में बीतक को जिया जा सके। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ यदि कुछ भी कहना चाहते हैं तो बताइएगा। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। आज मुकेश भाई से जरूर दो शब्द लेने हैं। सुंदर साथ जी शेयरिंग सेवा में सबसे आगे भाग रहे हैं मुकेश भाई, अब आयुषी मुकेश भैया इकट्ठे मिलके कर रहे हैं, ये पिता और बेटी कहूंगी मैं तो, बहू कहूंगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वो पापा जी बोलती है ना, मेरे हृदय को कुछ होने लग जाता है कि ये सखी बोल सकती है दूसरी सखी को इतने प्रेम से। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपकी सुगंध से ही, आपके प्रभाव से ही जो है ये असर है, नहीं तो जो है बहुत ही ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि टोटल तीन जने हैं और तीन जनों में एक जना तो एक मेंबर ड्यूटी चला जा और एक मेंबर अपने पूजा में लगा रहा है और दूसरा मेंबर अपने जो है अपने मोबाइल में लगा रहा है, तो ये तो वो भी तो मतलब तीन दिशाओं में बट गए थे अलग अलग। तो बस ये तो राज्य की कृपा है, आपके सबके सहयोग से जो है आशीर्वाद से ही ये सफल हो पाया है कि जो तीन धाराएं कम से कम एक तरफ को एक साथ चलना शुरू हो गई हैं। और ये भी आपकी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि परिवार से सबसे पहले शुरुआत परिवार से ही करना चाहिए। एक रई गांव है, वहां पर सुखबीर त्यागी जी बहुत ही मतलब उनकी माता जी बड़े महाराज जी की सेवा करती थी, तो वो कई बार गाजियाबाद में भी आए थे पहले, अब तो उनका धाम गमन हो गया है। तो उनका रहनी उनका व्यवहार इस तरह से था कि उनके चादर कहीं रह जाए कोई चिंता नहीं, चप्पल कहीं छूट जाए कोई चिंता नहीं, और मतलब जेब में पैसा है या ना है, चलना तो चल ही दिए, पैदल ही चल देते थे। और आके सबसे पहले मिलके यही कहते थे, सुंदर साथ जी को कुछ हमारे लिए सेवा, वो कहते थे कि सेवा तो बड़ों को करनी पड़ती है, छोटों की सेवा बड़े करेंगे तभी तो छोटे सीख लेंगे हमसे। तो ऐसे बिल्कुल इतना उनका व्यवहार, इतने वो मतलब रहनी में उतरे हुए थे, वो कभी कभार आते थे गाजियाबाद में। और एक बार एक सौभाग्य स्वामी जी का भी, श्री स्वामी जी के भी चरण कमल हमारे घर में एक बार पड़े, गाजियाबाद में प्रोग्राम था तो एक रात के लिए, अब भी वो दिनों को याद करता हूं तो एक अलग सही शरीर में ऊर्जा सी आ जाती है
कि एक मतलब एक दिन की सेवा का मौका मिला और राजी न जाने कभी फिर दोबारा भी इस तरह का मौका देंगे। तो प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, पता नहीं था आपके अंदर महाराज जी के लिए ऐसे भाव उमड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये तीन धाराएं एक होना आपके घर से शुरू हुआ है मुकेश भैया, ये पूरे समाज की धाराओं को अब एक करके छोड़ेंगी। ये तीन धाराएं सारी एक हो जाएंगी सब जगह, जैसे आपके घर से ये प्रवाह शुरू हुआ। अति सुंदर मैंने उमंग देखी है सुंदर साहब जी, शेयर करने की सेवा है, पर इतने दिल से कोई ऐसा छूटता नहीं जिसमें मुकेश भाई का नाम ना आया हो, कमलेश भाई का ना आया हो, शीतल भंडेरी जी का ना आया हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर, मैं देखती हूँ ना तो पुलकित होता है अंदर से, मन की अंदर उमंग से सेवा करते है ना। इसलिए सुंदर साहब जी सेवा करनी है ना, आज मन नहीं है आज मत कीजिए, उमंग से कीजिए, उतनी उमंग वो दूसरों के दिलों में डाल के जाएगी जैसे ये सुंदर साथ कर रहे हैं। अति सुंदर प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता त्यागी जी प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी मुकेश भाई जी ने बताया ना कि स्वामी जी यहाँ पे आए थे, तब मुकेश भाई जी के घर में मुझे भी स्वामी जी का सेवा करने का या उनका सानिध्य पाने का मौका मिला था, क्योंकि जो हमारी सुमन बहन थी वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। और जब कोई मतलब जितने भी वहां से आते थे, ज्ञानपीठ सरसावा से बच्चे आते थे, स्वामी जी आते थे, तो उनकी सेवा में हम रहते थे। तो मतलब वो वाला जो एहसास है, मतलब अंदर एक जब भाई ने बोला, याद दिलाया, तो एकदम से ऐसा लगा कि हाँ, स्वामी जी के साथ बैठना, स्वामी जी से बातें करना। और बच्चे थे जो कि साधारण खाना उनका इतना ऐसा भोजन होता था, नमक भी नहीं होता था, कुछ बच्चे तो नमक भी नहीं खाते थे, करेले भी केवल फ्राई किए हुए करेले और उसमें नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उनके साथ में फिर हमने भी वो लिया भोग प्रसाद, तो इतना अच्छा लगता था ना, बहुत ही अच्छा। तो बस यही कहने के लिए, और आपने ही सबको प्रेरणा दी है इस जूम के परिवार ने। ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां और ज्यादा 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 होती जा रही है, इसी से प्रेरणा मिल रही है। और मुकेश भाई की जो सेवा है कि ये एकदम शेयर जो करते हैं, मेरे पास इनकी वीडियो आती रहती थी, उसी से मुझे देखा, अच्छा लगा, तो मैं भी आपके साथ जुड़ी। मतलब सभी सुंदर साथ धन्य हैं सेवा करने वाले, और बस हम तो सुन ही सकते हैं आपके पास, बस बैठ के मतलब आपके सानिध्य में कुछ सीख सकते हैं। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर अनीता दीदी, आपने देखा सुंदर साथ जी, मुकेश भाई की जीवन संगिनी अब उनके साथ नहीं है, पर उन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया है, राजजी को अर्पित कर दिया है। रोते हुए बैठे नहीं है सुंदर साथ जी, बल्कि हंसते हुए धनी का हाथ पकड़ लिया। ये बल होता है पिया जी का, और आपका एक क्लिक, एक शेयर अनीता त्यागी जी को ला सकता है। एक क्लिक कीजिए, अपने जानने वाले सुंदर साथ जो पिया से प्रेम करते हैं उनको भेजिए, पता नहीं किस सुंदर साथ के हृदय में आए कि मैं रह गया, मैं पीछे रह गया। जरूर ये सेवा कीजिएगा, यदि हृदय में आए, यदि हृदय में छू जाए तभी कीजिएगा, उसके बिना बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस भाव से भेजेंगे ना, उसी भाव से वो सुंदर साथ लेगा, उसी भाव से वो आएगा भी। तो भाव भी ट्रेवल होते हैं, उनमें तरंगे होती हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिलके जयकारा लगाने का तो आनंद ही कुछ और होता है। मुकेश भैया जयकारा लगाइए जोरदार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ प्रणाम जी।